अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वार्मली वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7 एंड 7B. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिड अबाउट द यूनिट नंबर 4 एंड द टॉपिक इज रीडिंग. जस्ट व्हेन आई अबाउट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग द नॉवेल एंड इट्स कैरेक्टर्स स्टेसी, ठीक है, क्रिस्टोफर जॉन एंड कैसी. ओके, देन वी जस्ट डिस्कस अबाउट द रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन टास्क एंड नाउ द टारगेट इज जस्ट अबाउट द एक्सरसाइज. वोकैबुलरी वर्क में मैं आपको बता दूं जो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन का है, कैरेक्टराइजेशन का है, इसके जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं. आप लोग उसको देख के उसके प्रिंट आउट्स ले लीजिएगा. पीडीएफ फॉर्म में भी मैंने आपको सेंड किया, पिक्चर भी सेंड इसका मैंने कर दिया है क्योंकि बुक के ऊपर काफी डिटेल में है, तो आपको कटिंग या फ्रैक्शन से आप बच जाएंगे. तो दैट्स व्हाई मैंने वो जो लास्ट ईयर की क्लास को जैसे अपनी 7 से जो बच्चे 8 पे मूव किए हैं उन्हें भी मैंने इसका पूरा जो डिस्क्रिप्टिव आंसर था राइट इन डिटेल आंसर बाय यूजिंग द पावर पॉइंट्स इन डिटेल, ठीक है, वो मैंने उनको पेज पे ही प्रिंट आउट करवा कर तो उनकी बुक्स पे अटैच करवा दिया था. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर पेज बुक योर टेक्स्ट बुक कोर्स बुक टेक्स्ट बुक और कोर्स बुक पेज नंबर 58 एंड द टॉपिक इज दैट द ग्रामर. ओके, टेक योर हाइलाइटर इन योर हैंड्स एंड जस्ट टू बी अंडरलाइन with the help of pointer or a highlighter. Remember that power verbs can bring the peace of writing to life. Very important, good thing, underline it. Remember that powerful, very strong verbs that are very, you said, are full of energy, can bring a very peace of writing to life. They tell us not only about what is happening. इनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि हमें ये नहीं पता चल, ये हमें ये नहीं बताते कि दैट व्हाट इज बी हैपन इन अराउंड आवरसेल्फ, बट आल्सो अबाउट हाउ द कैरेक्टर फील, व्हाट अबाउट द कैरेक्टर फीलिंग. जो कैरेक्टर होता है उसकी क्या फीलिंग है, जैसे आप लोगों ने अपने लेसन में टेक्स्ट में रीड किया ब्लैक रेस की क्या फीलिंग्स होती है, उनकी अपनी नेशन को सपोर्ट करने के लिए, उनके अपने रेस को सपोर्ट करने के लिए. अदर देन रिवीलिंग हाउ द कैरेक्टर फील्स, अ वर्ब कैन आल्सो बी ऐड टू इमेज ऑफ द सेटिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ वार्म समर, एग्जाम्पल प्लीज हाईलाइट करें, इफ इट इज अ वार्म समर डे एंड समवन इज रेदर देन वॉकिंग, इट इनकरेजेस अस टू सेंस द वार्मथ एज वेल एज विजुलाइज द कैरेक्टर. कि कैरेक्टर को विजुलाइज कैसे किया जा सकता है, आपको जैसे कि इमेजिनेशन ऑफ थॉट्स में अगर आप लोग जाएं, मैंने आपको इमेजिनरी टर्म बताई पोएट्रिक वर्सेस में, साइट स्मेल टेस्ट फील टच जो है उनमें अगर आप उसकी जो इमेजिनेशन टर्म को देखें, इमेजिनेट करें उसको, इमेजिनेशन में चले जाएं, तो वो आपको कितना पावरफुल इमेज देता है. ओके, इस पार्ट फाइंड द फॉलोइंग वर्ब इन दिस शॉर्ट नोट्स इन द टेबल अबाउट हाउ यू थिंक द कैरेक्टर फील. ओके, मैंने ये जो इसके वर्ब्स हैं जो इनमें सपोर्टिव वर्ब लिए गए हैं लाइक लेट इन पैराग्राफ 2, थ्रेटन इन पैराग्राफ 3, ग्लैंस्ड जो हमने एजुकेशन वर्ड्स में भी मोस्टली अंडरलाइन किए हैं, ग्लैंस्ड इन पैराग्राफ 5, टग in paragraph 6, dragged in paragraph 6, both two words, tug and drag, okay, or imprisoned, paragraph 6, ये मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and how the character feel, मैंने इनके feel of characters जो हैं, उनके बारे में आपको जो उसका explanation मैं दे देता हूँ आपको, और मैंने group में जैसे काम share की है, it's depend to you के how to complete the table by using a complete feeling of sense, imagination of sense in a PowerPoint. If you feel a little bit difficulty on your textbook, अगर आपको textbook पे आपको ये feel होता है कि ये difficult है, less space है, तो मैं बच्चों से request करता हूँ कि please make or draw this table same on as like this same table, same points, same PowerPoint verb, draw a line in the center on the drafting pad page पे बना लें, क्योंकि इसमें space होता है तो you can write it very well. बजाय इसके कि बुक को आप खराब करें, लेकिन फर्स्ट प्रीफर योर बुक के, जो बच्चे बुक पे लिख लें, क्योंकि मोस्टली बच्चे आंसर गलत कर देते हैं, इसीलिए जब कम्प्रीहेंशन इससे सिमिलर हमको मिलता जुलता आप लोगों को कॉन्सिंग में देते हैं, तो क्वेश्चन जब आते हैं आप लोग गलत कर देते हैं और फिर आप लोगों की तरफ से क्रिटिज्म स्टार्ट हो जाता है कि ये देखे सर बुक पे तो मैंने ऐसे किया था, ये था. मैंने इसीलिए आपको बताया है कि अगर इफ यू फील अ लिटिल बिट डिफिकल्टी टू फिल दीज ब्लैंक्स, ओके, बिकॉज आंसर इज सम टाइम लेंथी, इट कंसिस्ट ऑन 1 or 2 or 3 लाइंस, देन It's not possible to use these R lines. So that's why उस मतलब difficulty से बेहतर है कि हम उसको select mark में page पे कर लें on drafting pad. Okay. Like the lagged, I explain this how the character feel. Lagged. It's a little man. Okay. And he's walking very slowly because he does not want his shoes. You read in the text and trouser to get soiled in the dust.
in the dust, in the dust. I repeat this statement again. A little man, he is walking slowly, very slowly, softly, because he does not want his shoes and trousers to get soiled in the dust. What about the threats? Cassie, she is cross with little, and she is extremely cross with little man, and warns him, and strictly warns him, warns, kehte tambi karna, that mama will be angry with him if he is slow. Agar wo slow chalega to. Glanced, ek nazar, ek chalak, jo ek alaf sachin kisi cheez pe aati hai. This term is mostly we use in poetic devices, in poet, especially poets use this term in different poetry, like you say in Daffodils, William Wordsworth used this word glance for daffodils. Okay, Christopher John, okay. He is aware of little man's slowness, is already very aware, in touch with about the slowness of the little man, but does not want to tell him off. What about that? Cassie, she is irritated by the collar of her dress. उसको इरिटेट करता है समटाइम यूनिफॉर्म नया आपने पहना हो समर सीजन स्पेशली आपने पहना हो तो मे बी कॉलर जो है वो इरिटेट करता है उसके काफ़ी इरिटेट करते हैं क्योंकि फैब्रिक जरा टिकी होता है हार्ड हो सकता है सॉफ्ट ना हो तो वो आपको इच फील करता है सिमिलर विद हर कैसी शी इज इरिटेटेड बाय द कॉलर ऑफ हर ड्रेस उसको जो उसका ड्रेस था उसका कॉलर बार बार इरिटेट करता है दैट शी इज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल उसको स्कूल जाने में थोड़ी रिलेक्टेंट वो फील कर रही थी And last not least, she's angry क्योंकि तीनों feelings उसकी तरफ से थी कैसी की तरफ से She's angry at having to wear shoes too. Okay? So what about these things we can be discuss about one by one on the course book, especially the target task. मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके टारगेट हैं आप टिक लगा लीजिएगा मैं टारगेट्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा आपने वैसे ही इनको कॉपी कर लेना अबाउट द नैरेटिव टास्क रिलेटेड टू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट On page number 55, ticket. Page number 656, B part, C part, D part. At the end of 57. So, okay, part A, find the following verbs. Question once again, I want to explain you. Question B, in the following exercise, you write two sentences of each situation, choosing verbs that not only the reveal how the character feels, but also add something the setting. Like that a character looking at snow slowly falling in the garden. Iske expressions ko. A character caught in a sudden summer hailstorm. What about expression? And tornado chaser in his car. Ye answer aapko group mein main share kar lunga. What about the list of powerful verbs in the given the left hand column? Complete the meaning given in the right hand column by adding the exact upper form hai. Bana hua move, grow, use up, please watch this. And they will listen, but I want to tell you, move, grow, use up, break, check, suggest, fall down, fizzle verb, think, turn, throw. Okay. अब ये है कि उनकी situation को जैसे creep है, तो meaning wise इसको करते हैं, उसका meaning ऊपर से search करते हैं क्या है? To move. In the first one blank, we just write the to move. Creep, movement. Number two. To move quietly and to revolve. To turn around a central point, to turn, body, revolve, ghumna, like sun revolve the earth. Ponder, to think for a long time and carefully, think. Collapse, fall down. To fall down suddenly. I also share these all answers in your group work too. Smash किसी चीज को तोड़ना like you throw the glass on the floor okay hard floor it smash into a bit of pieces break violently तशद्दुस to break violently expand किसी चीज का grow करना grow बढ़ना growth of development grow बढ़ना number seven exhaust to use up all of use up phrasal verb sling To throw forcefully but careless. Throw. Past tense, throw. First form of the verb, throw through thrown. Okay. Next, to suggest an indirect and unpleasant way. Suggest. Tajweez dena. A piece of advice, a piece of suggestion. Verify, not last not least, to check that something is true. Check.
ओके दीज आर द आंसर पेज नंबर 59 वर्ल्ड बैंक इज आल्सो एट द अबव एंड टेक एन असेसरी हेल्प अबाउट द स्पेलिंग करेक्शन फ्रॉम द अबव मेंशन वर्ल्ड बैंक नाउ प्लीज वंस अगेन ओपन द स्टार लिस्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रॉम द फर्स्ट डे फ्रॉम द लेसन के लिस्टिंग एंड स्पीकिंग बोथ ऑफ टारगेट वी यूज एंड यूटिलाइज ऑन द डेली बेसिस ऑफ व्हेन द चैप्टर इज क्लोज विद इन 1 or 2 days Listening and speaking targets must be conducted in this school computer lab. क्योंकि computer lab और library, school library resource हमारे पास होता है. I just take my all students into library or a computer lab and there at the spot I try to use this all activity listening and speaking. So इसके जो answer हैं listening के speaking के मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं आपको group में साथ साथ send कर देता हूँ. लेकिन जैसे ही क्योंकि ये pending activity इसलिए है कि जैसे ही आपने school आना है तो listening और speaking के लिए 1 week विद इन 1 week हमें लगेगा मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा वंस अगेन इन साइंस कंप्यूटर लैब और स्कूल लाइब्रेरी क्योंकि सम रिसोर्सेज आल्सो बी अवेलेबल इन द कंप्यूटर लैब एज द डायरेक्ट वी रिक्वायर फ्रॉम द रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक फ्रॉम द इंसाइक्लोपीडिया बुक फ्रॉम द करेक्टर बुक फ्रॉम द नॉवल व्हाटएवर सो सो व्हाट अबाउट द ऑनलाइन असाइनमेंट टू लिसन देम बाय यूजिंग अ ईयरफोन हेडफोन देन वी शुड मूव टू द कंप्यूटर लैब तो मैं इसके आंसर जो है जैसे पीपल है एक्सप्लेन कर देता हूँ People often have different points of view about different issues. Listen to the views about homework. ये तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कर्ज, आपके लिए तो बहुत बड़ी बिला है. तो ये देखें, views about homework. Make notes in the table about who is for or against. For कौन इसकी favour में है and which one is against. आप तो खैर सारे totally against होंगे क्योंकि mostly आप में से बच्चों का दिल नहीं करता कि आपको काम दिया जाए या किया जाए. खास करके जो आप लोगों को इन 3-4 महीनों में experience मेरे पास काम का आया है. I'm being very big, you say, panic. मुझे बहुत दुख हुआ है स्पेशली रिजल्ट आप लोगों के देखकर जो आप लोगों ने ड्यूरिंग इतने मतलब कह रहे हैं कि इसको असेसमेंट्स को आप लोगों ने असेसमेंट्स लिया ही नहीं कि असेसमेंट्स कैसे करनी वो आपके नजदीक फन था जिसका दिल चाहता दे दिए जिसका दिल चाहता नहीं दी तो बेटा ये बुरी बात है ये बैड एटीट्यूड है आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा एक्सप्लेन वाई यूजिंग ब्रीफ नोट्स ओके द कैरेक्टर मेंशन हु एज अ डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड हु एन एल्डरली मैन अ मदर A father, a boy, a young woman, a female teacher. Okay, for against homework. क्योंकि ये जब मैंने सुना था इसको, when I listened that, I capable to know about the answer, which one person in the favor and which one person is against. Why that person in favor and what about their statement or recommend? Speaking in group, writing जो है celebrities are not a good role model. ये day one नहीं हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया था. इनके जो answers हैं वो आप लोगों को group में एट द मीन वाइल पूरी एक्सरसाइज का मैं आपको सेंड कर दूंगा एंड रिटन भी और टेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व भी और आपने सेम उसको ही उतारना है विद द हेल्प ऑफ लेड पेंसिल ओके नाउ प्लीज ओपन योर ग्रामर स्किल बुक एंड पेज चैप्टर नंबर 9 आज हमारा चैप्टर 9 है कल मैंने आपको चैप्टर 8 करवाया था Unit number 9 and the topic is degrees of adjectives. Degrees of adjectives. Open your grammar skill, okay? Take your highlighter or a lead pencil into your hands, okay? Chapter number, unit number 9, page number 47. Unit number 9, page number, once again, unit number 9, okay? Degrees of adjective and page number 47. Page number 47. Please make sure to open your book very carefully. अब मैं आपको explain करता हूँ. Degrees of adjective. As you read about degrees of adjective in your earlier classes, about the first one
ऐसे डिग्री सिचुएशन, क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव यू कैन रीड अबाउट इन डिग्रीज, ओके कंपैरेटिव डिग्री, व्हाट अबाउट द इट्स थर्ड वन डिग्री एज ए सुपरवियन और ए सुपर नेचुरल थिंग इज गिवन टू एनी वन पर्सन एज ए पॉजिटिव एटीट्यूड रिगार्डिंग देयर एनी नेगेटिव बिहेवियर, व्हाट अबाउट द डिस्क्रिप्टिव ऑफ थिंग्स यू कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ degrees, different variety of degrees. Okay, take your highlighter or a lead pencil and make sure to highlight the point. There are the three degrees of adjective. Okay, like the positive thing like long, soft, cold, new. Okay, true. Comparative, when we change it, that long, longer, and the third one, longest. Cold, colder, coldest. New, newer, newest. Okay. फर्स्ट एंड देन सेकंड एंड थ्री, जैसे थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोग करते हैं. एडजेक्टिव इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, ओके अंडरलाइन इट. नंबर वन पावर पॉइंट, यू यूज द पॉजिटिव डिग्री विद एएस, जस्ट बी फोकस ऑन द साउंड एएस. फॉर एग्जांपल दिस जैकेट इज नॉट एज वार्म एज एएस एज एज, ओके वंस अगेन आई टेल यू, यू यूज द पॉजिटिव डिग्री विद एज एज. How can you like up similarities में similes में आप use करते हैं ना as like dash as like warm as like cold as like dash. For example this jacket 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 is not as warm as that one. This sweater is not as warm as that one. You use the comparative degree is than older than greater than less than, very common words. Okay, for example, Jack is taller than his brother. Jack is taller than his brother. Jack's math is weak, less than weak, dash, brother. Number three, you use some superlative degree with the, like the most beautiful thing, the most interesting thing, the most beautiful place of the world. Like our school is the oldest building. Our school is the oldest building in the village. Clock tower is the oldest monument of the Pakhas Lahore. Lahore Fort is the oldest monument during the time of Mughal Empire or Mughal region. However, you use a comparative degree with the when you are describing one or two people or a things to. As the th either the example our school is the larger of the two buildings. Please keep in mind underline this example, our school is the larger of the two buildings. You number four power point, you sometimes have to change the ending of an adjective like pretty, prettier, prettiest, slow, slower, slowest, cheap, cheaper, cheapest, expensive, more expensive, most expensive, beautiful, more beautiful, most beautiful, interesting, more interesting, most interesting, okay, safe, safer, safest, big, bigger, biggest, large, larger, largest, okay, upper, uppest, pretty, prettier, prettiest, safe, safer, safest, big, bigger, biggest, upper story, like up story, up, above down, so high, upper, UPPER, upper. So use these adjectives in the correct degree to fill in the blanks. They are the option mentioned here in the first one column to state. We just try to be write the right answer at the page number part A, page number 47, part A. Okay, my dear student, use the given adjective in the correct degree to fill in the blank. Like this exercise is easier. Easy, easier, easiest, E-A-S-I-E-R, easier. मैं पूरे complete answer बोलूँगा ताकि आपको अज़ीम मिले. This exercise is easier than the last one. I use the dash piece of paper I could find. I use the thinnest. जब आंसर लिखें प्लीज जरा ध्यान से लिखें कि आपने टी एच आई और स्पेलिंग देखें ई ए एस आई ई आर इजियर थिनेस्ट टी एच आई डबल एन 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 और डबल एन ई एस टी ओके
In the next line, widest, wide, wider, widest, widest. My school is wide and open. High, high, highest, high, unchai par. Highest, bahut unchai par. Take there, build a bridge or at the widest. The D ek aayega, W I D E S T, not double D. The mountain is higher than all the surrounding hills. Your hair is not as curly. अब as आया तो curly singular C U R L Y, not curlier, not curliest. As Paul was the braver, brave, braver, B R A V E R, B R A V E R, braver, bravest, bahadurin. Number 7, ये भी बहुत इजी, इसके साथ as आ रहा है. They wish they were as rich as, rich का rich, rich, as poor as rich as, their friend. I added some boiling water to make the tea hot. है तो क्या होगा hotter. H O T T E R. Be careful about spelling mistake too. Please avoid the spelling mistake and use only lead pencil to complete your target task. H O T T E R hotter. Okay. Mary is the nice, nicer, nice, nicest. N I C E. The number 9. N-I-C-E-S-T. Okay. Dad has been much happiest day of my life. Happier. Easier, thinnest, widest, high, curly, braver, rich, hotter, nicer, nicest, happier. These are the correct answer at the page number 47. What about the page number 48? Zara dhyan se dekhen. Rewrite the following sentences using a comparative or a superlative degree adjective. There may be more than one correct answer. The first one has been done for you. Like, Joe is 14, Michael is 12, and Adam is 10. Please, I repeat this sentence as an example too. Joe is 14, with comma, Michael is 12, and Adam is 10. So answer exactly, Adam is the youngest of the three boys. Number 2, Jane caught the 7:30 train and Sally caught the 8:30 train. Sally caught train later than Jane. Yes, the answer banta hai. Sally caught, catch, caught. Sally caught the Sally caught later than L-A-T-R, later, late, later, latest than Jan. Sally caught later than Jan. Number 2, I write more neatly than anyone of my classmate. So my handwriting is the neatest. My handwriting ke jo preceding answer hai wo likhna aapko. Is the, lie down please, my handwriting is the neatest. N-E-A-T-E-S-T. Neatest in the class. Meri handwriting class ke mere jo mates hai unme sabse neat clean hai. Neat hai. Neatest. My handwriting is the neatest in the class. This rock is not as heavy as that one. This rock is not as heavy as that one. This rock is lighter than. This rock is lighter. Lighter, halka. Light, lighter, lightest. Lighter than that one. Okay. Number 5, Tom washed his hands, but he did not wash his face. So, Tom's hands were cleaner, clean, cleaner, cleanest. Tom's hands were clear, clear, C, clear, cleaner than his face. Tom ke haath uske chehre se zyada saaf hain, transparent hain, clean hain, clear, clean, C, L, E, A. N-E-R, is it clean and clear?
ब्रांड है, सर्जेंट है। आई चूज अ रिंग दैट कॉस्ट, इसकी कीमत लेस देन ऑल अदर्स इन दिस शॉप, इन द शॉप दिस रिंग आई चूज वाज द चीपेस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, घटिया क्रीम। तो क्या हो जाएगा, चीपेस्ट, चीपेस्ट, चीप मूवमेंट, चीपेस्ट इन द शॉप। वेरी इजी ग्रामर वर्ब स्ट्रक्चर देखिए, वंस अगेन टेक योर हाईलाइट योर लेड पेंसिल इन योर हैंड्स एंड हाईलाइट द पावर पॉइंट एट द पेज नंबर 48 पार्ट सी। यू यूज मोस्टली ईएल ईएसटी, जैसे मैंने अभी बताया हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट आ गया, कूल कूलर कूलेस्ट आ गया। ओके, यू यूज अ यू ई आर एंड ई एस टू फॉर्म अ कंपैरेटिव एंड अ सुपरलेटिव और टू शॉर्ट एडजेक्टिव, दीस इंक्लूड मोर वन सिलेबल। ओके, यू रीड अबाउट द सिलेबल इन अदर क्लासेस टू, एडजेक्टिव एंड सम टू सिलेबल एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल प्राउड प्राउडेस्ट प्राउडर प्राउड, फखर से नाज नखरा गरूर, प्राउड प्राउडर प्राउडेस्ट, नैरो नैरोर नैरोस्ट। You use more, much more, most, just say, much more, more intelligent, most intelligent, more canning, most canning, okay, more foolish, most foolish, okay. Like here, you use a more and most to form the comparative and superlative, larger, longer adjectives ke liye hota hai. For example, you write in most and more anxious, with most too. Comfortable, more comfortable, most comfortable. Okay, beautiful, more beautiful, most beautiful. Comfortable, more comfortable, most comfortable. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Okay, canning, more canning, most canning. Okay, like you just say, last PowerPoint, some adjective have irregular comparative or like you say, good, better, best. Very common. Good, better, bad, bura, worse. Like Abu Sufyan was the worst enemy of Islam. Abu Jahl and Abu Sufyan both were the worst enemy of Islam. Okay, your condition is very worse in this situation. Okay, you are trapped. You're trapped in one of the worst situation. Okay, your result is so bad. Very common adjective. Okay, like अब हम लोगों ने उसने ये question किया, write the correct comparative or superlative form in the imperative column. Like difficult situation, just write more difficult. This situation is more difficult for me. How can I handle and tackle them? Shallow, shallowest. Sweet, sweeter, sweetest. SWEETER. Careful, you must be more careful for next time. Dirty, dirtier. गौर से देखें, जब आपके फिक्रे को चेंज को मिलता है ना, तो उसके अंदर उसके स्पेल को गौर से देखें। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को इश्यू होता है स्पेलिंग बहुत गलत करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से जब उसको हम लोगों ने कंपैरेटिव में लेके आते हैं, मैं पहले वो बता रहा हूँ। डर्टी, डर्टियर, डी आर आई टी आई ई आर, डर्टियर। सो व्हाट वो डर्टियर, गंदा, बहुत गंदा। वेट, वेटर, डबल टी हो जाएगा, सिंगल टी है, एक टी और, वेट, वेटर, वेटेस्ट। Confident, more confident, most confident. अक्सर मैथ्स में टीचर कहते हैं, वेरी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर इन केबीसी। समटाइम्स केबीसी, इफ यू वॉच हियर ऑन यूट्यूब, अमिताभ बच्चन, मेनी टाइम्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, मोर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस और होते हैं कॉन्फिडेंट। गुड, बैटर, सेकेंड, गुड, बैटर, बेस्ट। जब तक बुक्स आप लोगों की स्कूल ओपन होने पर हम लोगों ने चेक करनी है, तो मेरे लिए ट्रबल मत क्रिएट कीजिएगा, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। नंबर 10, hard, hard, harder, hardest, harder, harder. What about bad, bad, worst, worst,
worst situation, amazing, more amazing, most amazing, most amazing site in northern area, amazing, finest. This compliments mention on your results. These words as a compliments mention on your results sometime. Obvious, more obvious, most obvious, most of the class. OBVIOUS. Simplest. Our Holy Prophet, peace be upon him, led a simplest life. Simplest. SIMPLEST. Adorable, more adorable, most adorable. Used in the metals. This purpose of adjective used for the metals. Decor. Yes. Part D नहीं है आपके सिलेबस में, क्रॉस है, मैंने पहले ही आपको करवा दिया था. Now please open the page number 15. Very interesting similes. You read about similes many times in poetic devices as a expression verb too. तो please जरा निकाल लें, बड़ा interesting part है, exam में आता है, assessment में भी हम लोग use करते हैं. Previous assessment आप लोगों को share किया हुआ था, देख लीजिएगा आप. A series, मैं once again आप लोगों को resource pack में भी आप लोगों के हैं, मैं दोबारा explain करता हूँ. A series is a phrase, a series is a very simple phrase that uses as with an adjective. इससे भी आपने as के साथ as brave, as cold, as black, as fine as. A series is a phrase that uses with an adjective and a noun to say what something is like as soft as pillow, as soft as feather, okay, as hot as hot object, सोचें क्या हो सकता है, sun, ये भी हो सकता है, as bright as sun, okay, her hair color is as black as crow, as black as crude oil, okay, her temperament or behavior is as hard as stone, rock, mountain, as silent as mouse, church mouse or a mouse, as graveyard. So that's why, like examples को highlight करें. Her hair is as white as snow, as white as cloud, as white as milk. The box is as light as a feather. A box is as light as a cotton. A box is as light as a feather, cotton, pillow. Soft nature को use कर सकते हैं. Elephant as strong as a peacock. Peacock वो bird है जिसको खुद पे गरूर होता है, नाज होता है, नखरा होता है. The children were as good as gold, diamond. The water looked as calm as mill pond. So many similes are fixed phrases like these. However, you can also create new similes of many. जैसे बहुत सारे similes के आपको ideas नहीं हैं, वो भी आ सकते हैं change पे, concept base पे. Of your own to take necessary writing or a more interesting. Highlight these are grammar PowerPoint at the page number 50. Okay, use these adjective and nouns in the boxes to fill in the blanks in similes. Upar jaise clear, quiet, cold, slippery, slippery touch, dead, soiled, free, sore, high, tough, pretty, wise. What about the noun form? A bat, a mule, a bee, an ox, coal, a pancake, dust, a rake, a fox, a razor, a line, a sieve. Okay, ab isko strong, usko fill karna hai. Is side se main aapko पेज नंबर है, मैंने आपको बताया 15, पार्ट ई. टेक योर रेड पेंसिल टू कंप्लीट योर आंसर. जी, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स. इतना मजबूत जैसा कि एक बैल, बुल भी हो सकता है पोएट्री में. एग्जांपल है, मैंने अनसीन बताया, लेकिन हम इसमें चूंकि ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं तो ऑप्शन हमें ऑक्स है, उसमें बुल फाइटर हो सकता है, उसमें हार्ड जिन एनिमल में टफ सिचुएशन होती है लड़ने के लिए. ठीक है, नंबर टू, एस प्रीटी एस
pretty खूबसूरत, like a picture, like you take the example of Mona Lisa, okay? Pretty as picture, as high as kite, okay? As high as mountain, as high as a latitude. तो इसमें आप high, जैसे कि high level पे kite उड़ाई जा रही है, उसने comparison और words के form में उसको पूछे, as smooth as silk. सिल्क स्मूथ होती है, सिल्क शर्ट, सिल्क बेडशीट, सिल्क फैब्रिक, जेंटल सॉफ्टली जेंटली प्रेस योर हैंड और स्प्रेड योर हैंड ऑन द सिल्क, इट्स सॉफ्टली स्मूथली मूव एज क्वाइट एज होप. ये मैंने एग्जांपल्स में पहले बताया था, चर्च माउस और क्वाइट, एज क्वाइट एज, एज साइलेंट एज ग्रेवयार्ड, ये हो सकता है, एज क्लियर एज ट्रांसपेरेंट लाइक रेजर, जैसे क्रिस्टल जो ट्रांसपेरेंसी होती है, क्लियर वाटर, ट्रांसपेरेंट, क्लियर CLEAR, क्लियर, एज ब्लैक एज क्रोम और एक होल क्रूड ऑयल, ब्लैक ऑब्जेक्ट सोचें क्या हो सकते हैं, ब्लैक बेरी, ओके, एज शार्प एज अ रेजर, सेफ्टी रेजर शेविंग के लिए, एज शार्प एज नाइफ, एज शार्प एज कटर, शार्प मटेरियल देखें जिसमें आता है कटिंग, जिससे जल्दी होती हो, ओके, एज टफ एज अ लेदर, लेदर टफ होता है, हार्ड होता है, स्टोन की तरह, हार्ड टफ डिफिकल्ट, मीनिंग को देखें, एज ब्रेक एज अ लाइन, शेर की तरह बहादुर, वेरी ब्रेव, अ लाइन, एज ब्लाइंड एज बैट, क्योंकि बैट को दिन में देव नजर नहीं आता, रात के वक्त नजर आता है, तो सिंपली एज ब्लाइंड एज अ बैट, लाइक एज वाइस एंड आउट, इतना कलमन जैसे कि एक उल्लू, अ बैट डे में नजर नहीं आता बैट को, कीप इन माइंड, और एज स्लिपरी, स्लिपरी जिसको हाथ लगाएं तो आपके हाथ जो है वो स्लिप हो, फिसलें, तो ये फिश की टाइप है ई, इसको पकड़े तो स्लिप होता है, लिटरली यू फील अ शॉकिंग शॉक ऑफ अ करंट, झटका लगता है करंट का, अल्लाह की तरह से इसके अंदर कोई ऐसी कह सकते कि पार है कि इसको पकड़ नहीं सकते, अगर उसको लिटरली ग्रैब करने की कोशिश करो उसको एक जर्क लगता है, यू रीड अबाउट इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इन ग्रेड 7-2, उसकी एग्जांपल्स में आता है, ओके, एज बिजी एज अ बी, हनी बी और बी कितनी मसरूफ, जैसे कि एक मक्खी, आपको पता हनी बी हर वक्त मसरूफ होती है टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट कलरफुल फ्रेग्रेंस फ्लावर, ओके, एज कैनी एज, इतना मकार जैसे कि एक फॉक्स, एक लूमबर्ड, जैकल नहीं होता, फॉक्स होता, एज डज एज ए डोडो, अब जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हैं, तो उनका नाम डोडो हो सकता है, डायनासोर हो सकता है, इसके अंदर आ सकता है एग्जांपल्स में, अगर देखेंगे आपके स्पॉन्टेनियसली आंसर में, एस एज डेड एज डोडो, डेड डेड मुर्दा, जो अब इस वर्ल्ड में नहीं है, उनके फॉसिल्स हमें अवेलेबल होते हैं, ओके, एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड एज स्नो, एज कोल्ड एज आइस, एज ड्राई एज डस्ट, डस्ट पार्टिकल ड्राई होते हैं, 18, प्लीज जरा आंसर दें, आंसर लिखिएगा, एज सॉलिड एज रॉक, रॉक सॉलिड होती है, एज solid as stone, as solid as mountain, as solid as rock, as solid as marble, as stubborn as mule, oh sorry, as free as bird, birds are azad hote hain, free, freedom, azad, nature, as stubborn as mule, mule कहते हैं खच्चर को, not donkey, a mule, okay, as wise as an bull, मैंने जैसे start में examples में बताया, as sour, आपका taste level जो check करते हैं sour, vinegar में होता है, lemon में होता है, citrus fruit में होता है, you read about in solutions chapter 2, as sour as vinegar, इतना खट्टा जैसे कि सिरका, as thin as a rake, ये झाड़ू का वो एक तिनके
पानी ढोते हैं, थिन कमजोर दुबला पतला। अब इन्हीं को ऑप्शंस को हमने सेटल करने के बाद में एस पी टी एस पिक्चर पूरा लिख लीजिएगा आंसर। शी लुक्ड है ना, उसपे नाउ यू यूज ऑफ दीस इमेजेस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइक जेन पुट ऑन हर न्यू ड्रेस, शी लुक्ड एस पी टी एस पिक्चर्स। मैं उनके आंसर्स को आपने पेंसिल से आगे लिख रहे हैं, एस पी टी एस पिक्चर इतनी खूबसूरत जैसे कि तस्वीर में। एग्जाम्पल्स को अब आपने यूज करना है एट द पेज नंबर 51 पेज पे है ये। मैं दोबारा स्टेटमेंट बोलता हूँ, जेन पुट ऑन हर न्यू ड्रेस शी लुक एज प्रिटी एज पिक्चर, एज प्रिटी इतनी खूबसूरत जैसे वो तस्वीर में लग रही थी। देयर आर नो हिल्स इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, इट इज अ पीस एज फ्लैट एज पैनकेक, आर एज फ्लैट एज अ पैनकेक। पैनकेक जो होता है उसके ऊपर का जो बॉटम सरफेस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, टॉपिंग उसका बिल्कुल फ्लैट होता है। यू कैन सी द स्टोन्स ऑन द रिवर बेड, यू कैन सी द स्टोन्स रिवर में अगर देखें ट्रांसपेरेंट पानी हो तो आपको उसकी जो ट्रांसपेरेंसी, अब आप अगर खड़े हो आपको रिफ्लेक्शन क्लियर नजर आएगा तो उसमें स्टोन का जो बेड है वो आपको क्लियर नजर आएगा। यू कैन सी द स्टोन्स ऑन द रिवर बेड, द वॉटर इज एज ट्रांसपेरेंट, ओके एज क्लियर, या एज ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है, एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज क्लियर एज क्रिस्टल। क्रिस्टल किसको कहते हैं, एक शफाफ कलम को कहते हैं, जैसे शुगर क्रिस्टल्स होती हैं, स्टोन क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स होती हैं। रीड अबाउट इन सॉल्यूशंस चैप्टर ग्रेड इन ग्रेड 7 इन चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशंस टॉपिक में आपको क्रिस्टलाइजेशन का और क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सिंपल हिडेंस को ज़हन में रखा करें जब मैं बोलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी, नॉट अ डिफिकल्ट। जो विश्ड ही हैड वॉन, जो विश्ड विश्ड ख्वाहिश चाहत तमन्ना, ही हैड वॉन हिज ग्लव्स हिज हैंड्स वर, उसके हाथ कैसे थे, कंपैरिजन देखें, एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड एज आइस। Next number 5, my sister did not say a word all afternoon, she was silent. मैंने देखी क्या आ सकता है जी, फौरन उस आंसर को खुद कोशिश करें ताकि आपको पता हो कि आपने आंसर को कैसे, as quiet as a graveyard, as quiet as a mouse, हमने तो अपनी options को prefer करना है, as quiet quiet, quiet as a mouse or a church mouse, as a graveyard, okay. I have not had time to read your letter. I have been busy होगा ये, क्योंकि ज़ारे उतना मसरूफ होगा कि उसने लेटर नहीं पढ़ा, तो as busy as जल्दी देखें क्या आएगा, as busy as B, और B चूंकि सारा दिन काम करती है, फारिग नहीं बैठती है। You read about discovering plants too or the pollinators. Next part number 7. Jack will help us move the piano. He is dash. As strong as an ox. Strong है ना, मजबूत है। उसकी will power strong होगी, काम करने का शौक होगा, piano बजाता होगा। Strong as an ox. Bullfighter भी हो सकता है। अगर option based है या spontaneous लिखना चाहें तो आप। Jack will help us. Nobody. Number 8. Nobody could check the steep. It was steep. Steep. Because it was as tough as leather, as tough इतना tight इतना hard जैसा कि leather, steep check नहीं किया वो tight हो गया, उसकी खाल उसकी skin ऊपर की hard हो गई। You need nobody checked you the steep, it was as tough as leather. You do not need to go on a diet, you are क्या very easy आएगा, as thin as a rack, as thin as रिक।
कमजोर दुबला पतला, जो अगर डाइट नहीं लेंगे तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी. एंड वेरी इजी, द एनिमल हैड वेरी डार्क आईज, देयर वर एज ब्लैक एज सिचुएशनल आंसर्स मैंने आप लोग करवा दी है. नीचे वाला देखिए, इसके साथ ही है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट नाउन और ए नाउन फ्रेज टू क्रिएट द न्यू सिमिलीज. ये हमारे से ऑप्शन अनसीन वेन में है. जैसे मैंने भी आपको बहुत सारी सिमिलीज साथ साथ क्लियर की है. एग्जाम में हम लोग ज्यादातर आपको वर्ड बैंक दे सकते हैं और सिचुएशनल क्वेश्चन आता है जब, तो उसमें आपने अपने माइंड की थ्योरी को लिखना होता है इन सिमिलीज टू. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पेज नंबर आपका सेम वही है, पेज 51. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट नाउन और ए नाउन फ्रेज टू क्रिएट द न्यू. द फ्रूट टेस्टेड एज स्वीट एज हनी. जैसे एक कंपैरिजन है, हमने इसके अंदर जो चीज का कंपेयर कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए. एज स्वीट एज हनी हो सकता है, एज स्वीट एज शुगर हो सकता है, एज स्वीट एज पैनकेक हो सकता है, एज स्वीट एज स्वीट्स हो सकता है, एज स्वीट एज चॉकलेट हो सकता है, एज स्वीट लाइक कैंडीज हो सकता है. अब इतने सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए, जो आपको पसंद है, जो आपके दिमाग में ला करे बैठ जाए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए आप लिख सकते हैं. मेरी तो यही विश है. नंबर टू, क्योंकि आप लोगों को ग्रामर पढ़ाने का मुझे शौक है लेकिन आपको पढ़ने का नहीं, आप लोगों को सिर्फ जो है ना टाइम वेस्ट का शौक है, जो आप लोग अपने फजूल कामों में वेस्ट करते हैं. लिटिल बॉय वाज एज हैप्पी एज, वेरी इजी एज हैप्पी एज, जॉय फॉर्म में है. जो एनिमल्स देखे जिनके अंदर बहुत खुशी होती है, जो प्रेच करते हैं, बर्ड्स में आप देख सकते हैं, एज हैप्पी एज लार्क हो सकता है, स्काई लार्क हो सकता है, एज हैप्पी एज मंकी भी हैप्पी हो सकता है. हिप्पो, आप लोगों ने क्लास 4 में पढ़ा हुआ है, इसकी स्टोरी बेस बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो आप इसको लिख सकते हैं. उसको चेंज फॉर्मेट में देना चाहिए, आपकी मर्जी है. एज हैप्पी एज स्काई लार्क, नाइटिंगेल भी हो सकता है, वो भी खुश होता है ज्यादा फिर, या हिप्पो इन अ मड पूल. ओके, द सरफेस फेल्ट एज रफ एज, ठीक है, अ सरफेस, ठीक है, फेल्ट एज रफ एज. अब उसमें लेदर जैसे यूज किया गया था, रफ है ना, लेदर भी हो सकता है, टाइट है, स्टोन हो सकता है, माउंटेन की सरफेस जो होती है टफ होती है, हार्ड रोड हो सकता है, डस्टी रोड हो सकता है. नंबर 4, द ट्रैफिक नाइस वाज एज लाउड एज, इतना मतलब लाउड था जैसे कि यू कैन एग्जांपल थंडर, गरज की तरह, रस्टिंग वॉल्केनो हो सकता है, फटता हुआ आतिशबाजी, उसका बहुत शोर शराबा. द बेबी बर्ड वाज एज फ्लफी एज, क्योंकि फ्लफ होता है, एज अ लैम, एक लैम मेमने की तरह, एज अ किचन सॉफ्ट, एज ए चिक, द एयर स्मेल्ट एज प्योर एज, एयर की जो स्मेल्ट है उसकी खुशबू है वो एज फ्रेशी कैसी हो सकती है, एज स्मेल्ट एज मिंट, मिंट की बहुत अच्छी होती है, मिंट फ्रेश जिसे कह सकते हैं, और या फ्रेशी लेमन भी हो सकती. So this is the end of these all target tasks, जो हम लोगों के targets थे, जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, F तक आपको करवाएं complete, क्योंकि इसमें जो drop target थे वो आपके थे D and G. So this is the end of this chapter, और आपने इसको lead pencil से complete करने, group work में मैं आप लोगों को answer share करूंगा, notebook में जो काम करना है वो आप लोगों ने, please मेरी once again request है कि इस तरीके से बार बार मुझे मत मजबूर किया करें कि मैं एक ही चीज आपको बार बार कोट करूं कि कैसे कॉपी लें काम करें, दैट्स द वन ऑफ द रॉन्ग थिंग. आप लोग बच्चे नहीं हैं, आपको टेम्परमेंट टीचर का कुछ पहले पता होता है, जिन्होंने ऑलरेडी सुना होता है, जिन्होंने अब पढ़ना शुरू किया है तो उनको भी पता चल जाता है कि टीचर आपको कैसे काम करवाता है, उसकी रिक्वायरमेंट आपसे क्या. सो दैट्स, अपने काम को जरा नीट क्लीन और पूरा कंप्लीट फॉर्म में कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.